हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे कि अभी आपने थंबनेल देखा है कि अपनी MT-15 स्पेशली जो MT-15 के लिए टैंक बैग दिखा देता हूँ। तो टैंक बैग की ये वीडियो है, स्पेशल किस लिए बोला वो बता देता हूँ। सबसे पहले ये है टैंक बैग, घोड़स का टैंक बैग है। और अभी तक ना मैंने वैसे ओपन मतलब इतने पन्नी तक ही सीमित है ये। इसको कई बार सिर्फ इससे निकाला है, पन्नी से मैंने निकाला है, बाकी जो है बाइक पे सेट करके अभी तक नहीं देखा। और कल वैसे मेरी संडे की राइड है, आज है सैटरडे, कल संडे की राइड है, और उसके लिए मुझे ये सेट भी करना था बाइक पर। मैंने अभी तक खुद ट्रायल नहीं लिया इसका। एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ अच्छे से। ये रहा भाई, फाइनली ये चीज़ है। वो बड़ा ही छोटा सा है, शायद इसकी कैपेसिटी ना 11 लीटर है, 11 लीटर कैपेसिटी का ये बैग है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब देखो मैं दबा रहा हूँ इसको, काफ़ी प्रेशर लगने के बाद जो है ये दब रहा है, वैसे नहीं दब रहा। तो इसके अंदर जो भी चीज़ रहेगी लाइक आपका कैमरा, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ज़्यादा तेज मारूंगा तो दब रहा है, वैसे नहीं दब रहा। तो आपकी जो भी चीज़ है इसके अंदर, कैमरा वगैरह नॉर्मली, या राइडर्स का क्या होता है, राइडर्स का कैमरा वगैरह ही मेन होता है और वही ज़्यादा लोग इसमें रखते हैं। जरूरी जो भी राइड की चीज़ के सामान है, राइड के जरूर की चीज़ है, वही लोग इसमें रखते हैं, बाकी कॉपी किताब तो रखते नहीं है। तो अपना इसलिए मैंने मंगाया, तो स्पेशल मैंने इसलिए बोला था इस बैग को जो है, स्पेशल मैंने इसलिए बोला था क्योंकि काफ़ी छोटा सा है। और छोटा सा किस लिए है, जैसे कि आपकी डोमिनार हो गई, हिमालयन हो गई, होंडा की CB350 हो गई, आइनेस जो है, या फिर और बाकी, और इसके अलावा काफ़ी बाइक्स हैं जिनके जो टैंक हैं, अपाची भी जो उनके टैंक है ना काफ़ी लंबे, लंबाई में भी ज़्यादा है और जो है चौड़ाई में भी ज़्यादा है। और अपनी जो MT-15 है उसका जो है टैंक काफ़ी छोटा लगता है, पेट्रोल टैंक जो है काफ़ी छोटा लगता है। और छोटा लगता है तो यार छोटे के हिसाब से छोटा टैंक बैग होना चाहिए ना, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए स्पेशल ये मैंने मंगाया है, अपने जो है MT-15 के टैंक के हिसाब से ये बैग अपना बिल्कुल बाइक में सेट होगा। क्योंकि बड़ा लगेगा तो अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा भाई किसी का मान के लगाया हुआ है। और उसी के लिए मैंने ये छोटा सा मंगाया, क्योंकि इसमें मेरी ज़रूरत का सामान जो है सारा आ जाता है। अभी देख लेते हैं इसको ओपन करके इसके अंदर क्या है। सबसे पहले इसके अंदर जो ये है ऊपर से ही देख लेते हैं, फ़ोन का है, फ़ोन का अभी पता चल जाएगा इसमें फ़ोन हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ये मैंने इसको कर लिया है, इसका पावर बटन कहाँ पे गया, पावर बटन देखो अब यूज करके देखते हैं किस तरीके से यूज होगा ये। वायर अच्छे से काम कर रहे हैं, कैमरा भी चालू करके देख लेते हैं। देखो भाई ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो इसकी अच्छी खास बात तो ये है यार, इसमें टच अच्छे से काम कर रही है। और जो है फ़ोन आप यूज़ कर सकते हो अच्छे से, फ़ोन भी सेफ़ है, इसमें चैन लगी हुई है तो ये कहीं जाएगा भी नहीं, फ़ोन भी सेफ़ है। और राइड करते हो बाई चांस यूज़ करना हो या कोई कॉल वगैरह पिक करनी हो तो बड़े आराम से आप कर सकते हो। सो प्लस पॉइंट तो ये हो गया इसका एक, ये अच्छा लगा मुझे भी, काफ़ी अच्छा लगा। एंड उसके बाद जो है बाहर से देख लेते हैं बाहर की लुक क्या है। ये साथ में एक पॉकेट दी गई है, मैंने अभी तक इसको ओपन करके नहीं देखा, सच बता रहा हूँ, इस पॉकेट को ओपन करके नहीं देखा मैंने। साथ में पॉकेट है, इसके अंदर फ़ोन भी आ सकता है, कोई छोटी मोटी बोतल भी आ सकती है, लीड, चार्जर, पावर बैंक, जो भी आपने रखना हो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से बाहर आ जाएगा। सेम कंपार्टमेंट जो है आपका लेफ्ट साइड में भी है, राइट में भी, लेफ्ट में भी, ठीक है। और इसके बाद जो आती है इसकी मेन कंपार्टमेंट, मेन जो है इसका कंपार्टमेंट, ये मेन कंपार्टमेंट खोल लेते हैं इसका। सो, ये रहा मेन कंपार्टमेंट, ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। सबसे पहले जो है यहाँ पर एक पॉकेट, इस पॉकेट में आप फ़ोन, पर्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसके ऊपर ही सेम सेकंड पॉकेट है, वो थोड़ी छोटी है, बाकी उसमें भी आपका सारा सामान आ जाएगा, मोबाइल भी आ जाएगा, जो रखना चाहो वो रख सकते हो। प्लास्टिक है इसमें तो काफ़ी सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जो है ये सामान है, ये देखो ऐसे ही सामान आ गया। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है,
इसको देखते हैं ये क्या है। ओहो ये है इसका रेन बैग, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। रेन बैग बाई चांस हम कहीं जा रहे हो बाइक वगैरह पे, बारिश पड़ जाए, धूल मिट्टी कुछ भी हो, और वैसे भी नॉर्मल भी ढकना हो धूप में, तो उसके लिए रेन बैग है। काफ़ी अच्छा है यार, वाटर प्रूफ है। इसको साइड कर देते हैं। उसके बाद क्या आती है ये चीज़, ये जो है आपके कंधे पे टांगने के लिए है, एक हो गई है। और दूसरी क्या है, दूसरी ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, इसमें ये हुक्स दिए गए हैं, ये दूसरी साइड की स्ट्रिप है, मतलब दोनों साइड लगेगी ना यार, जाहिर सी बात है, एक राइट एक लेफ्ट दोनों में लगेगी, तो ये है। और थर्ड है ये इसकी जो मिडल वाली, मिडल वाली मतलब ये इसमें ना आपको ऐसे राउंड में दिया गया है, इसको ऐसे हम लॉक कर देंगे, लॉक मतलब हैंडल में लॉक होगा ये, जहाँ तक मेरा आइडिया है। मैंने अभी तक इसको खुद ट्रायल करके नहीं देखा बाइक पे, जहाँ तक मेरा आइडिया है, तो ये है हैंडल में लॉक होगा और ये वाली जो इसमें अटैच होगी। तो अभी फटाफट से आप एक बार देख लो, और अंदर का कंपार्टमेंट ये रहा। वैसे इसमें ये आपका हेलमेट तो नहीं आएगा, अरे वाह, अंदर इसके कंपार्टमेंट में ना साइड में और भी जेब दी गई है यार, देखो ये छोटी छोटी पॉकेट्स और दी गई है इसके कंपार्टमेंट, इसके अंदर दोनों साइड में, इधर भी यार पॉकेट तो बहुत सारी है आपकी ज़रूरत है। इसमें आप सिक्के रख लो, कुछ भी रख लो यार, जो रखना वो रख लो। और पीने वालों के लिए आप इसमें कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, हेल फेल जो भी रखना, रेडबुल वेडबुल सब रख सकते हो, ठीक है भाई, पीने वाले खुश मत होना। भाई इसमें हेलमेट वगैरह नहीं आया होगा आपका, ज़रूरत का जो सामान है, कैमरा वगैरह, कैमरा लीड चार्जर, छोटी पानी की बोतल, वो आ सकती है। तो भाई मेरी ज़रूरत के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है। और लुक इसकी कुछ ऐसी है, आगे से आपने देख लिया, आगे से इसकी लुक ये है और पीछे से लुक ये है, पीछे से लुक ये है। इधर या हम एक हुक लगा सकते हैं, एक स्ट्रिप लगा सकते हैं, दूसरी स्ट्रिप हम यहाँ पे लगा सकते हैं, और जो है तीसरी ये यहाँ पर लगेगी। टोटल तीन इसमें साइड दी गई है स्ट्रिप लगाने के लिए। और अभी मैं फटाफट से जाके बाइक पे देखता हूँ कि ये तीनों जो चीज़ हैं कैसे सेट होगी बाइक पे, जो है तीनों चीज़ किस तरीके से मेरे मेरे को सेट करनी है। और ये है ना सिर्फ एक है यार, आपको कंधे पे लटकाने के लिए सिर्फ एक मिल रही है, ये दो नहीं मिल रही, एक ही मिल रही है, तो सही है वैसे ये भी चीज़। और बाकी पकड़ने के लिए है ही, बाई चांस आप बाइक छोड़ के जा रहे हो तो आपने इन हुक से जो है, ये ऑरेंज वाले हुक है, इनसे निकाल के आप इधर से बैग को नॉर्मली पकड़ पकड़ के ले जा सकते हो, ऐसे करके ले जा सकते हो, या फिर ये स्ट्रिप लगा के आप कंधे पर टांग सकते हो। तो अभी फटाफट से बाइक पे जाके देखता हूँ किस तरीके से सेट होगा, और मिलते हैं बाइक पर। सो दोस्तों फाइनली ना टैंक बैग जो है बाइक को बांध दिया अच्छे से, फिटिंग बताता हूँ कैसे। इसमें मैंने दिखाया था ऊपर के दो जो है कुछ इस तरीके की, दो सेम स्ट्रिप थी और एक तीसरी स्ट्रिप थी, ठीक है, ये है सेम वाली जो दो सेम थी। तो मेरे में लेग गार्ड बंधा हुआ है, तो मैंने ना लेग गार्ड से कहीं भी, चाहे आप यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हो, नॉर्मली इसको यहाँ पर अटैच कर दिया, सिंपल ही करना है अटैच करके, ये आपकी जो है एक साइड की लग जाएगी। दूसरी भी जो है मैंने सेम बांधी है, दूसरी मैंने लेग गार्ड से बांधी है। अगर आपके पास लेग गार्ड नहीं लगाए तो आप बाइक में ना इधर से निकाल सकते हो, आराम से निकल जाएगी, जैसे फ्रेम जो है इधर से आप निकाल सकते हो, बड़े आराम से निकल जाएगी, और यहाँ भी निकाल सकते हो जैसा आपको सूटेबल लगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर लेग गार्ड नहीं है आपके पास, लेग गार्ड नहीं है तो यहाँ से आप अच्छे से निकाल सकते हो, निकल जाएगी, ये स्पेस है, दोनों साइड है स्पेस है उंगली का, तो निकल जाएगी। अभी सिर्फ यही निकालना है हमें स्ट्रिप, तो अब ये भी हो गई, ये भी हो गई, एक थी तीसरी स्ट्रिप, तीसरी बता देता हूँ। तीसरी जो है कुछ इस तरीके की थी आपकी गोल, ठीक है। नॉर्मली मैंने क्या किया, ये हैंडल के यहाँ से घुमा दिया, इसको हैंडल के यहाँ से घुमा दिया, इसको यहाँ पे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जो है ये जो हुक बचता है, ये वाला जो हुक था, मतलब ये कुछ इस तरीके की हैंडल में आ गई है। फिर इसके बाद जो ये लॉक बचता है वो मैंने इसमें अटैच कर दिया, आपने क्या करना है इसको ना लूज ही रखना है, क्योंकि जब हैंडल घूमेगा ना तो दिक्कत हो सकती है हैंडल घूमने में, या फिर टाइट घूमेगा, तो इसको ना लूज ही रखना है, इस वाली को लूज ही रखना है, बाकी ये साइड वाली को टाइट रखना है, साइड वाली टाइट है तो बैग इधर उधर नहीं घूमेगा आपका, इसको ज़्यादा टाइट मत करना, इस वाली का जो है ज़्यादा टाइट मत करना, लूज कर देना तो नॉर्मल आपका बैग ऐसे बन जाएगा। और ऊपर हाइट लेनी है तो थोड़ा सा और ऊपर कर देना इसको, मैं तो अभी थोड़ा सा ऐसी लूज आपको दिखाने के लिए बांध दिया,
तो कुछ इस तरीके की इसकी फिटिंग होनी है। एक स्ट्रिप यहाँ पे ठीक है, और इधर अटैच कर देना है ऐसी, दूसरी स्ट्रिप यहाँ पे इधर अटैच कर देना है, तीसरी स्ट्रिप जो है हैंडल से आप यहाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि और जगह नहीं है इधर, कहीं स्पेस नहीं है कि मैं इधर फंसा दूँ। तो मेन ठीक यही जगह है, सिर्फ इसको सपोर्ट के लिए बांधना है, सपोर्ट के लिए, बाकी वो साइड वाली है रोकने के लिए। और इसको ज़्यादा टाइट मत करना, ये वाली स्ट्रिप ज़्यादा टाइट मत करना, क्योंकि जब हैंडल घूमेगा ना तो दिक्कत होगी आपको राइड करने में। सो फिटिंग के बाद कुछ इस तरीके की लुक आती है बाइक पे, साइड से देख लो कुछ इस तरीके की लुक आती है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार, सही है बाइक के हिसाब से ना, छोटा सा टैंक, बिल्कुल टैंक बैग जो है बिल्कुल ठीक है। और बाइक की अपनी लुक ये रही, ये अपनी गोडजिला है। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ।